बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सबको अपनी रहमत के साए तले रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैं बना रही थी जी अम्मी का ये शीशे वाला ये डेकोरेशन पीस, जो कि मैंने उनकी वॉल पे हैंग कर दिया था, और काफ़ी दिनों का मैं सोच रही थी कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं, पर मैं नहीं बना सकी क्योंकि मेरी बेबी को मोशन लगे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था मेरी बेटी की ने तबीयत थोड़े दिनों से ख़राब थी, और फिर उसके बाद जो है वो बनाकर मैं दर्द सुनने लग गई थी। हमारा जो मैं रात को दर्द होता है, और जिसकी वजह से फिर मैं जो है ना उसमें बिज़ी हो गई। फिर मेरी बेटी बस चिड़चिड़ी हो जाती है। जिनके बच्चे हैं ना, उनको पता होगा कि जब बच्चे को मोशन वगैरह लगते हैं तो फिर बच्चा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो ये फिर माँ बेटी थोड़ा बहुत खेल रही थी, और फिर उसके बाद जो है इसका चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए मैंने सोचा कि हम जो है ना बाहर निकलते हैं, ताकि ये बाहर निकलती है ना तो थोड़ी सारी इसकी तबीयत सेट होती है। फिर साथ ही फ़ोन आ गया, कज़न का इतनी बुरी खबर सुनने को मिली, और अम्मी सुन रही थी मेरे फ़ोन। और जो है कज़न की दो बेटियां हैं ना, तो उसकी ना बेचारी की पहले एक बेटी की जो है टांग वो टूट गई, और दूसरी बेटी की ना बाजू जो है बाजू टूट गई। और इस तरह दोनों बेटियों को संभालना कितना मुश्किल हो रहा था, तो अम्मी उनसे बात कर रही थी और बहुत ज़्यादा हमारे लिए एकदम से परेशानी बन गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद हम खाना खाने के लिए दिन का निकल आए, और सेफ्रोन पे आए हम। यहाँ पे हमें इनका खाना और इनकी कढ़ाई बहुत मज़े की लगती है, तो फिर हम लोगों ने ये खाना खा कर और थोड़ी देर के बाद हम फिर वापस चले गए थे। फिर उसके बाद मैं आगे बताती हूँ, खाना इनका बहुत मज़े का था। ये मेरी बेबो अपनी वॉकर में खेलियाँ कर रही है, और चलती अभी ज़्यादा नहीं है, तो कभी कभार थोड़ा बहुत इधर ले आती है, इधर उधर कर लेती है तो खुश हो जाती है। अभी जो है 8 माह की हुई है ना, तो इस वक्त ये देखिए सारे कपड़े वगैरह फैले हुए हैं इसके। इसने जो है अभी वॉमिट किया और बहुत परेशानी बन जाती थी इसे मोबाइल लेकर निकल। वो जो है ना शोर मचा रही है, और हम खड़े हैं यहाँ पे कमर्शियल मार्केट, और यहाँ से फिर जाएंगे। और अम्मी के लिए दो लाइटें लेनी है, फिर उनको मैंने तैयार करना है, और फिर इंशाल्लाह आपको भी दिखाऊंगी साथ साथ, क्योंकि मेरी अम्मी का कमरा मैंने डेकोरेट किया था और लाइटें भी अम्मी को मैंने ही लगा के देनी है और अच्छी बना के देनी है। वैसे रेडीमेड बनी हुई लूँगी, फिर उनको जो है ना अच्छे से जिस तरह से उनका कमरे का जो है ना मतलब कलर वगैरह वो जो है उसके साथ मैच करके तो फिर मैं लगाऊंगी, और आपको भी साथ साथ वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। क्योंकि मुझे ना भूल गया था कि मैं वीडियो बना लेती जब अम्मी के कमरे में मैंने वॉलपेपर जो है लगवाया था और सारा अम्मी का कमरा सेट किया था ना, पेंट भी मैंने खुद ही किया था, और इतनी मुश्किल से छत की सीलिंग पर पेंट किया था ना, बहुत डर डर के किया था इतना ऊँचा उठ। तो खैर अभी जब चीज़ें लेती हूँ फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ, और देखते रहिएगा मेरा चैनल। और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिएगा, कोई टाइम नहीं लगता और ना ही आपके कोई पैसे लगेंगे। तो चलती हैं अभी, ठीक है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये हम कमर्शियल मार्केट में ही एक शॉप है बहुत अच्छी, और यहाँ से रेडीमेड ड्रेसेस वगैरह बहुत ही अच्छे मिलते हैं जिस तरह के मुझे पसंद है। तो हम यहाँ चले गए थे और खाना खाते, क्योंकि वहाँ पे सेफ्रोन के बिल्कुल सामने ही आई है। तो यहाँ से फिर मैंने अपना एक ड्रेस ले लिया था, मुझे एक पसंद आया था वो मैंने ले लिया था, और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास और रिजनेबल थी। तो फिर यहाँ से मैंने वो एक लॉन का लिया था, प्रिंटेड ड्रेस था, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने यहाँ से ले लिया। और फिर उसके बाद हम यहाँ से शर्ट्स वगैरह ले गए थे, हस्बैंड के लिए बहुत थक गए थे, तबीयत भी हस्बैंड की भी ठीक नहीं।
ये जी हम थक हार के घर वापस आ चुके थे और रात हो चुकी थी। और ये अम्मी के पौधे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी अम्मी को बहुत पौधों का शौक है। और ये मेरी अम्मी ने सारा जो है टेरेस पौधों से भरा हुआ है। और खाना वगैरह खा के बेटी के खिलौना लेना था वो लेकर और जो है अपनी शॉपिंग करके घर आ गए थे, क्योंकि लाइट्स पसंद नहीं थी आई तो इस वजह से। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा अल्लाह।